नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर आज हमारे साथ हैं योगाचार्य डॉक्टर दक्षदेव गौड़। गौड़ साहब, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो पहला सवाल ये कि योग किस तरह करना चाहिए और किस तरह की सावधानियां बरती जानी चाहिए? योग जैसा कि नाम से ही जाना जाता है, योग का तात्पर्य है जुड़ना, और जुड़ना शरीर से की जाने वाली प्रत्येक क्रिया को मन के साथ भी जोड़ देंगे तो वह काम मनोयोग पूर्वक होता है। अर्थात मनोयोग पूर्वक की गई प्रत्येक वह क्रिया जो किसी भी लाभ के लिए की जाए वह पूर्ण होती है, लाभकारी होती है। अब उस क्रिया को हम आजकल जो योग के विषय में समझ सके हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि केवल आसन और शारीरिक अन्य क्रियाएं यही योग है, जबकि योग का यह है एकमात्र अंग है, एक स्टेप है। यम नियम के बाद में ही आसन का नंबर आता है, और वह आसन जो स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जा सकता है वह आसन कोई भी व्यक्ति करता है, तो उसके करने के पूर्व में यह भी होना चाहिए कि वह सावधानियां जो उस आसन के लिए हैं निर्धारित, वह हर शरीर के लिए एक जैसा आसन नहीं है, उसकी अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं, और सावधानी पूर्वक वह करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग हारे थके हैं और कमर में दर्द हो रहा है, कुछ आगे झुकने के आसन हैं वह कर लेते हैं, और दूसरे कर रहे हैं वह भी करने लगे। किसी ने बता दिया कि आगे झुकने के ये कारण से पेट कम होता है, तो आगे झुकने का आसन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि इसके निषेधात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, यदि हैं तो वे कौन से हैं, उनका ध्यान नहीं होता। इसलिए सभी आसन करते समय निश्चित रूप से सावधानी पूर्वक उन आसनों का प्रतिपादन करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बाद में पूरी दुनिया योग कर रही है, ऐसे में रोजगार के क्षेत्र में योग की क्या भूमिका है? बहुत अच्छा प्रश्न है। रोजगार के क्षेत्र में एक तो रोजगार हो और उत्तम सही स्थिति का रोजगार हो, ऐसा रोजगार हो जिसमें किसी का हानि ना हो और अपना लाभ हो, तो बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन योग का तो ऐसा रोजगार बनता जा रहा है कि अपना भी लाभ है और सामने वाले का भी लाभ है। इसलिए इस क्षेत्र में जो लोग पूर्णतः निष्णात होकर के उतर रहे हैं वह अच्छी तरह से योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं, और बहुत अच्छी बात यह है कि यह घर घर तक पहुंच रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समय ना होने के कारण किसी भी योग केंद्र पर, योग कक्षा में नहीं जा सकते, वह अपने घर पर ही इसका लाभ ले सकते हैं। अच्छे प्रशिक्षक मिल जाते हैं उनसे योग का प्रशिक्षण लेने के लिए, पूर्व सावधानी के साथ में और लाभ के साथ में यदि जान करके योग का अभ्यास नियमित किया जाए तो निश्चित रूप से उससे लाभ होता है। जैसे कुछ गृहिणियां घर छोड़ करके और बाहर नहीं जा सकती, उनके पास घर का दायित्व रहता है, तो वह दोपहर के बाद में भी योग का कार्यक्रम अपना निर्धारित कर सकती हैं, जिसमें टेम्परेचर का शरीर के अनुकूल होना अत्यावश्यक है। ये जरूरी नहीं है कि दोपहर को गर्मी होती है, दोपहर को गर्मी जहां है वहां ऐसा वातावरण दिया जा सकता है अनुकूल, जो शरीर के अनुकूल हो, श्वास लेने के अनुकूल हो, ऐसे समय में ऐसे स्थान पर वहां योग का अभ्यास किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोजगार के लिए सुबह जल्दी निकल जाते हैं, सुबह सुबह योग का समय माना गया है, लेकिन सुबह योग का समय माना गया है वह उत्तम है, सायंकाल मध्यम है, और दोपहर का जो समय है वह सामान्य है। जो सुबह नहीं कर सकते वो सायंकाल करें, और जो सायंकाल भी नहीं कर सकते वो दोपहर के समय करें। जो तीनों में से किसी को सूट नहीं करता हो, ऐसा समय हो, तो जब पेट खाली हो और समय की अनुकूलता तब बनती हो, उस समय भी योग का अभ्यास किया जा सकता है। ऐसी सूक्ष्म योग क्रियाएं हैं, कुछ प्राणायाम के अभ्यास हैं, और कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो योग में दोनों के बाद में तीसरे नंबर पर ध्यान का क्रम आता है। जो ध्यान के अभ्यास के साथ में हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, मस्तिष्क की क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, इतने सारे योग के साथ लाभ जुड़े हैं। वास्तव में योग केवल शरीर को हिलाना डुलाना और थोड़ा बहुत व्यायाम कर लेना ही मात्र नहीं है, योग तो सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करने वाला उपक्रम है, जो कोई भी प्राणी मात्र, कोई भी मनुष्य इससे लाभ ले सकता है। ऐसा कहा जाता है कि योग से असाध्य बीमारियों का उपचार संभव है, किन किन बीमारियों में संभव है? जी बहुत अच्छे, ये ऐसा प्रश्न है
स्वस्थ तो हर कोई व्यक्ति कहे अपने आप को मैं स्वस्थ हूं तो संशय होता है। स्वास्थ्य कोई एक प्रकार का नहीं होता जो शारीरिक स्तर पर ही माना जाए, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, भावनात्मक बहुत तरह का स्वास्थ्य है। अब शारीरिक रूप से जो स्वस्थ नहीं है निश्चित रूप से उसका मन पे प्रभाव आता है, तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं होगा। मान लो शारीरिक रूप से स्वस्थ है कोई व्यक्ति और वो कहे कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हूं, तो वो सही है, मन का शरीर पर और शरीर का मन पर प्रभाव पड़ता है। दोनों तरीके से स्वस्थ होना जरूरी है। उसके साथ साथ यह भी है कि अगर मानसिक रूप से स्वस्थ रह करके व्यक्ति शरीर पर प्रभाव डालने की कोशिश करे तो एंडोक्राइन सिस्टम के माध्यम से वह उसको प्रभावित कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं आज देखने को जो मिलती हैं, 80% लगभग ऐसी बीमारियां हैं जो मनोकायिक हैं, मन के प्रभाव से शरीर पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसी बीमारियों के लिए पहले मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है, उसके बाद फिर शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है, जो शरीर के यौगिक क्रियाओं के आसन के माध्यम से लाभ लिया जा सकता है। अब जैसे मान लिया जाए कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए कहेंगे कि इसका योग से लाभ नहीं लिया जा सकता, वैसे योग कोई बीमारियों को दूर करने के लिए अलग से कोई इस तरह का कार्य उपक्रम नहीं है जैसे मेडिकल स्टोर पर जाके दवाई ले ली जाए। योग तो वह प्रक्रिया है जो निरंतर स्वस्थ बने रहने के लिए है। जो स्वस्थ है वह व्यक्ति भी उसको करे और जो अस्वस्थ है वह भी करे। जो स्वस्थ है वह तो करेगा ही, लाभ मिलता रहेगा और स्वस्थ बना रहेगा, निरंतर स्वस्थ बने रहने के लिए है। लेकिन साथ में यह भी बहुत जरूरी है जो अस्वस्थ लोग हैं, चाहे वे शारीरिक रूप से हों अस्वस्थ या मानसिक रूप से अस्वस्थ हों, वह भी इसका अच्छे ढंग से अच्छी जानकारी लेकर के अच्छे प्रशिक्षक के सानिध्य में इसका अभ्यास करें। जैसे कोई भी एक बीमारी लें जो असाध्य बीमारी है, उस बीमारी का कोई भी नाम आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं पर्टिकुलर कोई एक आसन और ऐसी चीज नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं कोई भी योग आसन जब आप कर रहे होते हैं और शारीरिक लाभ या शारीरिक बीमारी को स्वस्थ करने के लिए उसका अभ्यास कर रहे हैं जैसा कि बाहर बताया जा रहा है, आप उसको ढंग से करें, समय के अनुसार करें, कितना कितना आपका शरीर उसको करने के लायक एंगल बनाने के लिए सक्षम हो रहा है, उतने एंगल पर भी आप झुक जाते हैं। और झुकना ही मात्र नहीं, झुकने के साथ साथ आपको करना चाहिए कि उस एंगल पर झुकने के बाद में आपके अंग प्रत्यंग कौन से कितने प्रभावित हो रहे हैं, और उसके साथ साथ इतना भी नहीं रुकना, भावात्मक संप्रेषण होना चाहिए कि अपना ध्यान पूरा वहां ले जाकर के अपने भाव का संप्रेषण वहां देना चाहिए कि मेरा यह अंग तंत्र जो भी है उससे प्रभावित हो रहा है, मैं स्वस्थ बना रहा हूं, मेरे एंडोक्राइन सिस्टम के सीक्रेशंस बराबर हो रहे हैं, मैं उस अंग से स्वास्थ्य का लाभ ले रहा हूं। ऐसे ऐसे अगर भावों के संप्रेषण के साथ में वह क्रिया की जाए और मनोयोग से वह आसन किया जाए, निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। लेकिन एक दिन और दो दिन करने से नहीं होगा, वह निरंतर सतत अभ्यास करने की आवश्यकता है। सतत अभ्यास करो और पूरा भाव पूर्वक मनोयोग के साथ में उस अभ्यास को करो और विश्वास और श्रद्धा के साथ में करो, चाहे वह कहीं पे भी गरीब घर का है, अमीर घर का है, छोटा बड़ा कुछ नहीं, सब इसका अभ्यास कर सकते हैं और सब इसका लाभ ले सकते हैं। क्या आपको लगता है कि योग में धर्म आड़े आता है? आज के समय के अनुसार आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कुछ लोग जो इसको गहराई तक नहीं समझ पा रहे हैं, वह इसका पूरा लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वही उन्हीं की समाज के लोग जो ऐसी प्रतिक्रिया करने वाले हैं, उन्हीं की समाज के लोग, मैं उनको अभ्यासित करा रहा हूं, उनको भी मैं लाभ दे रहा हूं योग के माध्यम से, मेरे सामने प्रत्यक्ष है। वो लोग जो बहुत सारे इनका विरोध करते हैं, ठीक है, वो विरोध करते हैं इस वजह से कि उसमें एक ओम शब्द आता है। ओम का उच्चारण वैसे साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो योग कोई धर्म का एक शब्द नहीं है। आ उ और म का सम्मिलित उच्चारण किया जाए तो वो ओम बनता है। अब ओम का लाभ ब्लड प्रेशर में होता है, ओम का लाभ बहुत सारी बीमारियों में होता है, ओम के उच्चारण करने से मन शांत होता है। यदि इसका आप इसकी फ्रीक्वेंसी को सही मायने से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यदि ओम के तीन तरह के उच्चारण हैं, एक तो ओ लंबा कर देते हैं, मैं छोटा होता है, एक म लंबा कर देते हैं और ओ छोटा होता है, एक ऐसा होता है जो समस्थिति का रहता है ओ, इन तीनों के अलग अलग लाभ हैं। इन तीनों के लाभ के लिए यदि आप सही
दिशा निर्देश के साथ में इसका उच्चारण करें, इसका अभ्यास करें, तो आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक स्तर के रोग इससे दूर हो सकते हैं। ऐसे ऐसे लाभ लेने के लिए कहीं धर्म आड़े नहीं आता, क्योंकि धर्म को मानने वाले अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। वैसे मान्यता तो धर्म की होनी चाहिए, संप्रदाय की एक छोटे से दायरे की बात हो सकती है, मत संप्रदाय ये व्यक्ति द्वारा चलाए गए हैं। धर्म तो वह है जो सर्वमान्य है, जो ईश्वर की दी हुई चीज है, वो सबके काम आती है। सूर्य धूप देता है, सबको देता है, हवा परमात्मा देते हैं, वो सबको देते हैं, कौन धर्म वाला इसको नहीं लेता। धर्म तो वह है जो सर्वमान्य हो, सबके धारण करने के योग्य हो, और जो संप्रदाय है वह किसी विशेष व्यक्ति के माध्यम से चलाए गए हो सकते हैं। मत संप्रदाय ऐसे हैं जो उनके फॉलोवर्स उनको केवल मानते हैं, उनका एक छोटा सा दायरा हो सकता है। हो सकता है कोई और धर्म को उसको कहता है, मैं उसको नहीं मानता, तीसरा व्यक्ति भी नहीं मान सकता। लेकिन धर्म ऐसा है जैसे श्वास लेने का काम है, सब श्वास लेते हैं और शुद्ध हवा में श्वास लेना चाहते हैं, तो कौन सा धर्म वाला ऐसा है जो मान्यता रखता है कि मैं शुद्ध हवा नहीं ले सकता, शुद्ध हवा में श्वास नहीं ले सकता? ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म कैसा भी जो तथाकथित धर्म है, कोई भी मानने वाला हो, शारीरिक अभ्यास यदि वह करेगा, उस आसन को करेगा, तो लाभ उसको भी उतना ही मिलेगा। क्योंकि धर्म यहां आड़े इसलिए भी नहीं आता कि जिस शरीर का लाभ हम लेना, शारीरिक स्तर पर लेना चाहते हैं इस आसन के करने से, वह आसन करने वाला व्यक्ति के शरीर में यही ग्रुप जो दूसरे धर्म के मानने वाले आप बताते हैं, उनके ग्रुप में भी वही होता है। ए पॉजिटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है, ओ पॉजिटिव हो सकता है, आदि आदि। ये धर्म आड़े इसमें कहां आया? यदि उसको उस ग्रुप का ब्लड चढ़ाना पड़ जाए तो कौन से धर्म का कौन से धर्म में नहीं चढ़ेगा, उस समय वो मान्यता कहां गई? ऐसी कुछ बातें और भी हैं जो मेडिकल स्टोर पर मिलती हैं, कौन से धर्म वाले के लिए कौन सी कंपनी बनाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो परमात्मा ने कहीं कोई भेदभाव नहीं रखा है, हम सब परमात्मा के ही बनाए हुए मूर्तियां हैं। हम उसकी मूर्ति नहीं बना करके हमारी मूर्तियों को हम आपस में समझें और भेदभाव ना करें, और सब परिवार के सदस्य की तरह रह करके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक अभ्यास के लिए योग का अभ्यास करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। ये सब उस तरह की स्थितियां हैं जो आपके सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं, इसलिए इसमें कोई धर्म आड़े नहीं आता, ऐसा मैं मानता हूं। यदि आपको भी अच्छा लगे तो आप भी इसको मानें और स्वास्थ्य लाभ लें। गौरव, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देव दुनिया के पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसे देश का रहने वाला जिसको मैं गर्व से कह सकता हूं कि यहां कोई किसी प्रकार का योग के विषय में भेदभाव ज्यादा देखने को नहीं मिलता, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय विदेशों में भी इसकी बात को पहुंचा चुके, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस योग दिवस को हम मनाने जा रहे हैं। तो मैं वेब दुनिया के समस्त पाठकों को कहूंगा कि आप सब वेब दुनिया के पाठक नहीं, उनके परिवार के सदस्य हैं जो उससे आप लाभ ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। मैं आप सबके लिए शुभकामना देता हूं कि आप भी नियमित योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें और निरंतर स्वस्थ बने रहें। और इसमें यूं कहना चाहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद गौरव साहब। नमस्ते।